नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में दर्द और अकड़न की शिकायत रहती है। इसके अलावा शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द और शरीर में थकान की समस्या रहती है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर में दर्द और अकड़न की शिकायत रहती है, वह लोग सुबह उठते ही इन अभ्यासों को अपने बिस्तर पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप सुबह उठें, आप किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाएं, और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सीधे देखें, 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके, और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे करना है और सीधे देखते हैं, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से, ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम 4 से 5 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ करें, दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों, 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचिए, ऐसे आपकी कोहनी ऐसे आपके सिर के बीच में रहे। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके, फिर सेंटर में, फिर दूसरी साइड से। जिन लोगों को कंधों में दर्द, अकड़न या गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को सुबह उठते ही जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर इसके बाद सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। शशांक आसन रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आपने बज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं, अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लें, और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद शशांक आसन यानी न्यू शशांक आसन को प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं, और ऐसे अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट या जितनी देर आप इसे कर सकते हैं इस अभ्यास को कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा स्ट्रेच होता है, और यह अभ्यास शरीर से दर्द, थकान, तनाव जैसी समस्या को दूर करने वाला बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर उसके बाद ऐसे श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। सबसे
पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहे हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखे और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा कर रहे हैं और ऐसे अपने पंजों को थोड़ा सा आगे को लाते हुए ऐसे अपने हील को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। और एक आरामदायक ओंधी के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहे। और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है।